हेलो रियन, दिस इज रितेश नानवानी। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज था 8 मार्च। बैंक निफ्टी का कल का जो एनालिसिस हमने किया था उसमें मैंने आपको ये चीज क्लियरली बताई थी कि सेलिंग के मेरे लेवल्स कहीं ना कहीं पूरे हो चुके हैं। मार्केट कभी भी यहां से रिवर्स कर सकता है। संडे को मैंने आपको बताया था 34,000 के नीचे बैंक निफ्टी गिरता है तो 32,500 तक गिरेगा। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया 32,500 के नीचे मार्केट अगर निकलता है तो ज्यादा से ज्यादा 300-400 पॉइंट 32,000 तक आ सकता है, पर उसके बीच में कहीं से भी मार्केट एक रिवर्सल ले सकता है। 32,500 तक हमारे सेलिंग टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज इंट्राडे के अंदर आपको यहां पर एक डब्लू पैटर्न दिखा। डब्लू पैटर्न के अलावा काफी सारे कंफर्मेशन मिले बाय करने के, और मैंने आपको कल बताया था रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना। सेलिंग 32,500 तक ऑलरेडी आ चुकी है। यहां पे अगर आपने रिवर्सल आइडेंटिफाई किया है तो आपको 1,000 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। रिवर्सल ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको एक ऐसा लेवल चाहिए जहां पर मार्केट अपनी सेलिंग या बाइंग पूरी कर चुका हो। अपना जो भी उसका ट्रेंड चल रहा है वो मूवमेंट जो है आपको लग रहा है कि वो मूवमेंट वहां पर खत्म हो जाएगी। जैसे सेलिंग मोमेंट थी कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि 32,500 पर मेरे सेलिंग के लेवल्स एंड हो चुके हैं, इसके बाद में मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है। तो 32,000 से 32,500 मेरे पास एक ऐसा लेवल है जहां से मैं मार्केट में बाइंग प्रेडिक्ट कर रहा हूं। इसके बाद में यहां पर हम चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। चार्ट पैटर्न्स के लिए यहां पर आपको एक डब्लू पैटर्न मिला है रिवर्सल के लिए। अब एंड रिवर्सल पैटर्न दिख गया, लेवल हमारे रिवर्सल वाले हैं, उसके बाद में एंट्री कैसे ली जाती है। मार्केट ने यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनाने के बाद में इस लेवल पर नीचे बिल्कुल बॉटम पे एक एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बनाया। एंगल्फिंग बुलिश कैंडल के अलावा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजु ग्रीन कैंडल भी बना है। तो इसके बाद में अगर बाइंग नहीं किया आपने, इस पूरी 1000 पॉइंट की रैली में प्रॉफिट नहीं बनाया, तो आपको कहीं ना कहीं सिंपल प्राइस एक्शन पहले सीखने की जरूरत है। उसी के बाद में आप ऑप्शन ट्रेडिंग या निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग कर पाओगे। अभी सिंपली ये देखो कि मार्केट में हमने कल सेलिंग सोचा कि खत्म होने वाली है, मार्केट ने आज एक अच्छा खासा मूव दे दिया। अभी जैसा कल हमने प्लान किया बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट वही मूव दिया। अभी हम देख लेते हैं मार्केट कल कैसे मोमेंटम कर सकता है। सिंपली यहाँ पर देखो ट्रेंड जो है ना, जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा था वो यहाँ पर बैंड हो चुका है। इस ट्रेंड का बैंड होता है कौन से, इसके सिग्नल होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपली यहाँ पर देखो मार्केट इधर से गिरा, यहाँ पर इसने एक छोटा सा हाई लगाया, अगेन नीचे आया। ये जो हाई बना था, ये जो लास्ट स्विंग बना था हाई का, क्या ये ऊपर ब्रेक हुआ? नहीं ब्रेक हुआ। अगेन मार्केट एक स्विंग लगा के नीचे आया, कि ये वाला हाई ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। इसके बाद में मार्केट यहाँ पर नीचे आके इसने यहाँ पर एक हाई लगाया, ये वाला हाई, ये हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया। अगेन मार्केट यहाँ पर नीचे आया तो यहाँ पर हमारे पास एक स्विंग बना। इसके बाद में मार्केट यहाँ गिरा तो ये जो लास्ट स्विंग था, ये स्विंग भी यहाँ पर ब्रेक नहीं हो पाया, ना ही इधर ब्रेक हो पाया। जो पिछले हाई पॉइंट्स हैं वो जब तक ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं, जब तक जो लास्ट स्विंग बना है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है, मतलब ट्रेंड सेम चल रहा है। अभी यहाँ पर मार्केट गिरा, अगेन यहाँ पर ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश किया, बट यहाँ पर भी मार्केट पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। अगेन यहाँ पर मार्केट नीचे आ गया। अभी यहाँ पर जो पिछले तीन हाई पॉइंट्स थे, एक ये वाला हाई पॉइंट है, लास्ट स्विंग है, एक ये लास्ट स्विंग है, एक ये लास्ट स्विंग है, मार्केट ने आज इन सबको ऊपर ब्रेक कर दिया। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड हमें यहाँ पर बैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट में बुलिशनेस थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है। बैंक निफ्टी कहां पर क्लोज हुआ है, सिंपल रखेंगे आज हम अपने एनालिसिस को। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 33,200 के आसपास। इसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस क्या है, 33,500 हमारा रेजिस्टेंस है। डायरेक्ट इसके ऊपर 34,000 हमारा रेजिस्टेंस होगा, बीच में आ रहा है 33,500। अभी 33,500 एक ऐसा लेवल है जहां पर मार्केट रिजेक्ट भी कर सकता है डायरेक्टली यहां से, और ऊपर बुलिश भी हो सकता है। चल रहा है 33,200, थोड़ा सा नीचे आने दो। 33,000 राउंड नंबर के आसपास अगर मिल जाता है, 200 पॉइंट नीचे मिल जाता है, तो 33,000 पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम बाय कर सकते हैं। ये रिवर्स होके अगेन 33,500 तो आई जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन हो या हमें बाय करने के लिए 33,000 के आसपास मिल जाए, हम बाय करके एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। अभी यहाँ पर ऊपर का लेवल, अगर बाय एनी चांस गैप अप आ गया, हमारा जो टारगेट है 33,500 का टारगेट है, अगर मार्केट इसी के ऊपर ओपन हो गया तो हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखेंगे। अगर मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है तो इसको रीटेस्ट करने का वेट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद में एक बुलिश कैंडल बनती है तो हम डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हैं। इसी जगह पे अगर बहुत बड़ा गैप अप आ जाता है तो हमारा टारगेट 34,000 के आसपास है, वो टारगेट ही कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा गैप अप आ गया तो हम फिर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट, हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि 33,000 राउंड नंबर पे हम नीचे के लेवल पे बाय करें, मार्केट ने अगेन एक गैप डाउन दे दिया, 33,000 के नीचे ओपन हो गया, तो 32,500 जो यहाँ पर अगेन नीचे का राउंड नंबर आएगा, अब वहां पर भी बाइंग प्लान कर सकते हो। मार्केट आज यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना के गया है। अगर 33,000 पे मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको अच्छे से गिर जाने दो। जहां पर नीचे रिवर्सल सिग्नल आपको दे
3,700, 3,600, 3,500, जहां पर भी आपको हैमर एंगल्फिंग बुलिश ऐसी कोई ग्रीन कैंडल मिलती है जैसे आज यहाँ पर बॉटम पे मिली है, तो अगेन आप नीचे के लेवल्स पे बाइंग प्लान कर सकते हो। ये जो 1000 पॉइंट के मूव है ना, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देके मार्केट वापस से एक बुलिश तो ऊपर दिखाई गई, उसके बाद में अगर वापस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड करना है तो ऊपर के लेवल से रिजेक्ट हो गया, पर कहीं ना कहीं 33,500 से 34,100, ये 600 पॉइंट का गैप है, ये इसी एक्सपायरी 1 से 2 दिन के अंदर कवर हो सकता है, पूरा गैप फिल हो सकता है, इस ट्रेड को आप यहां पर कैप्चर कर सकते हो अगर ये मूवमेंट गैप अप के अंदर कवर नहीं होती है तो। ठीक है, बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत सिंपल है। ऑप्शन चेन पर हम देख लेते हैं कौन सा डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 33,500 के आसपास हम देख रहे हैं टारगेट हमारा रेजिस्टेंस जो निकलने वाला है, वहां पर 41,000 की कॉल राइटिंग है, कोई बड़ी कॉल राइटिंग नहीं है, मतलब मार्केट यहां से बुलिश हो सकता है। अगर हम इसके नीचे 33,200 जहां पर मार्केट चल रहा है यहां पर सपोर्ट देखें तो सपोर्ट यहां पर कुछ नहीं है, पर जहां पर मैं आपको नीचे बता रहा हूं कि 33,000 पे आ जाता है वहां पर आप बाय कर सकते हो, तो वहां पर आपको 41,000 की पुट राइटिंग मिलेगी, मतलब 33,000 हमारे लिए सपोर्ट हो गया है, ऊपर 33,500 हमारे लिए छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर 33,500 भी कैंडल में ब्रेक होता है तो भी बाय कर सकते हैं 34,000 तक के लेवल पर। 34,000 पर यहाँ पर 58,000 की कॉल राइटिंग है, मार्केट यहीं जाके रुकेगा, इस एक्सपायरी पे इतनी मूवमेंट आ सकती है, मार्केट आपको 800-900 पॉइंट बुलिश होता हुआ कल या एक्सपायरी वाले दिन इजिली बुलिश होता हुआ आपको यहाँ पर दिख सकता है। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं निफ्टी को। सिंपली मैंने आपको कहा था कि ये जो रेंज बनी है निफ्टी की, इस रेंज के नीचे आप सेल करना, रेंज के नीचे तो निकला मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया, अगेन यहाँ पर बुलिश होके इसने काफी अच्छा मूव दिया है, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स अभी हमारे निकल के आ रहे हैं 16,200 से 250 तक के, मार्केट निफ्टी भी इतना बुलिश हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक गैप था, ये जो कैंडल बनी है ये कैंडल यहाँ पर एनएसई ग्लिच के कारण बनी है, तो ये जो गैप है ये पूरा गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, निफ्टी अभी और बुलिश यहाँ से हो सकता है, पर नीचे का सपोर्ट देखेंगे, अगर थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो बाय करने की कोशिश करेंगे, नीचे के लेवल्स पे बाय ऑन डिप प्लान करेंगे। 15,900 हमारे लिए एक अभी अच्छा सपोर्ट होने वाला है, अगर मार्केट नीचे गिरता है 15,900 को टेस्ट करता है तो वापस से मार्केट आपको बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। अगर निफ्टी यहां पर 15,800 के नीचे गिर जाता है तो अगेन बेयरिश हो जाएगा, 15,800 तक हम सेफ है, अगर 15,900 आ जाए तो भी बाय करेंगे, 15,800 आ जाता है तो भी बाय करेंगे, 850 पे अच्छी ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो भी बाय करेंगे, पर इसी जगह अगर गैप अप ओपन हो जाता है 16,100 के आसपास तो बाइंग प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी में बहुत सारे रेजिस्टेंस है। इसके बैंक निफ्टी के अंदर गैप आपको क्लियर 500 पॉइंट का दिखाई दे रहा है जो फिल हो सकता है 34,000 तक, पर निफ्टी के अंदर ये गैप जो है ना ये ऑलरेडी मूवमेंट आ गई है, 16,020 तक ऑलरेडी आ गया है, थोड़ा सा गैप अप आ जाता है, मान लो 40 पॉइंट 50 पॉइंट का गैप अप आ जाता है तो 16,070-80 तक वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद में 16,120 वापस से रेजिस्टेंस ले लेगा, 16,120 के ऊपर 220 पे भी वापस से रेजिस्टेंस ले सकता है, इसलिए निफ्टी अगर आपको थोड़ा नीचे मिलता है या फ्लैट मिलता है तभी आप बाय कर सकते हो, मार्केट आपको 16,200 तक जाता हुआ इजिली दिखाई देगा, पर अगर निफ्टी गैप अप आ जाता है तो आपको थोड़ा वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा, अगर गैप अप आ जाता है उसके बाद में मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दो, रिटेस्ट करने दो, नीचे रिटेस्ट करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाने दो, उसके बाद में अगेन आप बाइंग प्लान कर सकते हो। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में जो सेलिंग प्लान करनी है ना वो अगेन लो के आसपास मार्केट आके नीचे सस्टेन करेगा, उसी के बाद में प्लान करेंगे, अदरवाइज ये एक अच्छा रिवर्सल साइन हो सकता है मार्केट के अंदर, जो भी पिछले स्विंग्स बन रहे थे निफ्टी के अंदर भी वो सारे स्विंग आज ब्रेक हो गए हैं और काफी अच्छा इंट्राडे मूव आया है, बड़ी कैंडल्स बनी है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं हमें रिवर्सल का साइन दिख रहा है जिसकी हमें रेस्पेक्ट करनी है। अभी थोड़ा सा बुलिश हुआ है, नीचे आएगा तो बाय करेंगे, काफी ज्यादा नीचे आके सस्टेन करेगा उसके बाद में सेलिंग प्लान होगी, अदरवाइज सेलिंग प्लान नहीं होगी, अगर डायरेक्टली गैप अप देके ऊपर निकल जाता है तो निफ्टी में वेट एंड वॉच रहेगा, रीटेस्ट होने का वेट करेंगे, अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो 16,020 के ऊपर ही डायरेक्टली सुबह निकलते ही आप बाय कर सकते हो। फ्लैट ओपनिंग का क्या मतलब हुआ, फ्लैट ओपनिंग जो मैं हमेशा आपको बात बताता रहता हूँ कि फ्लैट ओपनिंग के बाद में बाय कर सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इंट्राडे में लास्ट 2 से 2:30 बजे जो मूवमेंट था, 2 से 2:30 बजे क्या मूवमेंट था, 2 से 3 बजे तक का मूवमेंट था, काफी अच्छा बुलिश मूवमेंट था, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग आ जाती है तो ये जो बुलिश मोमेंटम आया ये बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ भी अगेन कंटिन्यू हो सकता है, पर इसी जगह पे अगर ये जो गैप अप एंड गैप डाउन आ जाते हैं तो 2 से 3 बजे की जो लास्ट ट्रेडिंग की मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं फिर डाइजेस्ट कर जाते हैं, ट्रेडर काफी प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, काफी फियर एंड ग्रीड के कारण एग्जिट कर देते हैं, तो इसलिए हमेशा अगर मार्केट में एक दिन पहले मोमेंटम आई है उसके बाद में फ्लैट ओपनिंग मिल रही है तो ट्रेंड को कंटिन्यू रखो, जो ट्रेंड पिछले दिन मूवमेंट दिया था क्लोजिंग के टाइम पे वही मूवमेंट अगले दिन सुबह के टाइम पे कंटिन्यू होगी, पर अगर गैप अप एंड गैप डाउन आ गया फियर एंड ग्रीड के कारण प्रॉफिट बुकिंग के कारण मार्केट थोड़ा सा सेंटिमेंट को चेंज कर देता है। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी का भी ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं कहां से कहां तक कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैं आपको एक रेंज भी बता देता हूँ एक्सपायरी के अंदर क्या रेंज हो जाती है, अभी हेजिंग वालों के लिए ये काफी इजी हो जाता है जब हम रेंज की बात करते हैं, तो 16,050 या 16,000 की अगर हम बात करें
यहाँ पर पुट राइटिंग है 53,000 की, मतलब 16,000 भी एक सपोर्ट बन सकता है, पर 16,000 पे कॉल राइटिंग भी है 69,000 की। तो 16,000 हमारे लिए कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा टेस्ट वाला लेवल है कि मार्केट किस तरफ ब्रेक करता है। अगर इससे ऊपर देखे 16,200 के आसपास, तो 66,000 की यहाँ पर कॉल राइटिंग है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर मार्केट नीचे के लेवल पे मिलता है 15,900 जो हमने बात करी, 15,900 के आसपास मिल जाता है, तो यहाँ पर 40,000 की पुट राइटिंग है। 15,800 पे भी 51,000 की पुट राइटिंग है। ये 15,800 से 900 के बीच में टोटल 1 लाख का डेटा है पुट राइटिंग का। तो 15,800, 850, 900 यहां तक गिरता है निफ्टी नीचे, कोई भी एक बुलिश कैंडल बनाता है, हम उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाकर बाय कर सकते हैं, मार्केट वापस ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। इन लेवल्स के आसपास अच्छी पुट राइटिंग है, क्योंकि पुट का प्रीमियम यहाँ पर गिरा भी है। तो ये फ्रेश पुट राइटर्स है, ये मार्केट को और ज्यादा नीचे नहीं गिरने देंगे। इस एक्सपायरी के दिन मार्केट नीचे मिले बाय ऑन डिप कर सकते हो आप, निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी। अगर ऊपर के लेवल पे आता है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करते चलना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना। 16,200 से 250 का टारगेट इस वीक निफ्टी के अंदर लग रहा है, रेंज जो होने वाली है। अगर काफी अच्छा बुलिश हो जाता है तो निफ्टी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 16,500 नीचे के लेवल्स पे 15,800, ये एक बहुत बड़ी रेंज है, पर कहीं ना कहीं बुलिशनेस ही दिखाई देगी, क्योंकि गिरावट ऑलरेडी काफी आ चुकी है। ट्रेंड आज जो है बैंड हो चुका है, अगर थोड़ा सा गिरावट आएगी तो वो एक छोटा सा बायर्स का प्रॉफिट बुकिंग होगा, और उसके बाद में मार्केट वापस से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी की रेंज निकल के आ रही है, ऊपर हमारे 34,000 के टारगेट है, नीचे मार्केट जहां से आज बुलिश हुआ 32,500 के आसपास, ये 1,500 पॉइंट की रेंज रहने वाली है कल और परसों बैंक निफ्टी के अंदर। अभी आप समझ गए होंगे कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पर हमें ट्रेड करना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।